ये सूख चुका है तो यार हाँ यहाँ पे खेल पाएंगे अब। और ये देखो ये फुटबॉल ग्राउंड है, मस्त लगा, बहुत अच्छी जगह है, क्या लगे किसी को प्रपोज करना है, आप लाके कुछ लगे हुए बट वो करने के लिए कौन भी चाहिए, वो मैं यहां पे रिसोर्स में जॉइन कर दिया, मैं कॉल में ट्राई करना है। अभी पानी भरा हुआ है ना इसीलिए नहीं, कल पैर तो फिसले थे दो तीन बंदों के भाई, कल दो तीन बंदों के पैर भी यहाँ पे फिसल गए थे। और ये वॉलीबॉल है, ये वॉलीबॉल का प्लेग्राउंड है नहीं यहाँ, हाँ थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम है बट कोई दिक्कत नहीं है ना, सूखने के बाद अच्छे से खेल सकते हैं यहाँ पे हम, चाहे दिन या रात किसी भी टाइम आप खेलोगे मस्त रहेगा। ये सूख चुका है तो यार हाँ यहाँ पे खेल पाएंगे अब तो। और वो वाला कोर्ट दिखा दे चल के, ओ भाई हाँ तू जाला जाएगा, चल वो वाला कोर्ट दिखाते हैं बंदों को, वो क्या बोलते हैं उसे, बास्केटबॉल का, यही पास ही में है। हाँ पास ही में है। और वीडियो को लाइक करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहना और मस्त मस्त ब्लॉग देखते रहना भाई चैनल पे, मस्त मस्त ब्लॉग लाएंगे। और ये साइकिल स्टैंड रहा, और यहाँ पे देख सकते हो कितनी साइकिल खड़ी हुई हैं, और ये सारी पुरानी साइकिल्स हैं, सारी पुरानी। तू भी ले ले भाई साइकिल। हाँ लेनी पड़ेगी भाई, पहले तो खोलने तो दे यार, पहले से बाहर जाने का अलाउ है। और ये रहा होटल लाइन थी, ये होटल लाइन वो होटल, आराम से क्या बोल रहा भाई, ये क्या है हॉल नंबर 9, हॉल नंबर 9 है ये। और ये वाला तो आपने देखा ही होगा, और ये देखो 6 फ्लोर की बिल्डिंग है, आप 6 फ्लोर से जब देखोगे नजारा एक अलग लेवल का रहेगा, मैं डाल दूंगा उसकी भी क्लिप बनाई हुई थी। ये मधुमक्खी का छत्ता भी, हाँ भाई कितना डेंजर है, क्या दिख रहा है आप लोगों को, चल मैं जूम करके दिखाता हूँ, जिसका वहाँ पे रूम होगा नहीं दिख रहा है भाई, नहीं दिख रहा है, हल्का सा दिख रहा है बट चल ठीक है, वो नहीं बास्केटबॉल का वो दिखा देते हैं, और उसके बाद वो दिखा वहाँ पे रूम होगा, कितनी दिक्कत, डर लग रहा होगा उसको। ये सामने जो है सामने हॉस्टल 13 है, कौन सा है, हाँ ये हॉल 13 है, ये हॉल 13 हो गया, और ये हॉल ऑफिस हो गया, ये मेन दरवाजा पकड़ लो समझ लो, ये वही हॉल ऑफिस ना। छात्रावास 12, छात्रावास हॉल ऑफ रेसिडेंसी ऑफ 12। और ये क्या रहा ये भाई, ये क्या है, बास्केट कोर्ट, क्या बास्केट कोर्ट है ना, प्रोटोकॉल फॉलो कर, हाँ प्रोटोकॉल फॉलो कर लो, और ये बास्केट कोर्ट देख लो मस्त सा, जंप करके देख पकड़ पाएगा क्या, हाँ मोबाइल ला मेरे को, नहीं भाई नहीं हो पाएगा, चल वो वाला ग्राउंड दिखाते हैं पहले डर रहा था बट अब नहीं डर रहा हूँ, कुछ नहीं करते बिल्कुल, हाँ कल तो अपन उनके साथ खेले थे, नहीं यहाँ पे वो रहेंगे बोले की हाँ वैसे जो डर लगता है थोड़ा, अब नहीं डर लगता है, डर बच्चों को लगता है, हाँ मतलब आते हैं बट अब नहीं डर लगता है, और हम लोग खेलते हैं उनके साथ और इंजॉय भी करते हैं। और ये देख सकते हो ये बहुत, ये फुटबॉल का ग्राउंड है मस्त वाला, रात में नहीं खेल सकते, यहाँ पे लाइट नहीं लगी है, हाँ इधर रात में नहीं खेल सकते कोई दिक्कत नहीं, और वैसे भी बाहर थोड़ा सा पानी भरा हुआ है, हाँ अभी खेल भी नहीं सकते ना इधर, फिर भी चल जाएगा। और ये हॉल 13 रहा, ये हॉल 13 है, और इधर रहते हैं 290 यानी कि हमारे सीनियर, हाँ एक साल सीनियर, बस सीनियर तो है भाई, चलो पूरा राउंड मारते हैं इसका हॉल 13 का। ये दोनों बिल्डिंग 2015 में बनाई गई थी, और बिल्कुल सेम है दोनों बिल्डिंग, सेम है कुछ भी डिफरेंस नहीं है, दोनों बिल्डिंग सेम है, ये इनके लिए बास्केटबॉल कोर्ट, ये हॉल 13 का बास्केटबॉल कोर्ट आपको सामने दिख रहा है, बैडमिंटन कोर्ट है अंदर,
और यहाँ पे टेबल टेनिस कोर्ट भी है बट वो अभी रूम लॉक है इसीलिए नहीं टीटी रूम है पर लॉक है अभी फिलहाल उसे ओपन 190 का ओपन हो चुका है और हम लोगों का कैंटीन तो ओपन हो गई मस्त कुछ भी यहाँ पे ले सकते हो वैसे भी मैसेज इतनी अच्छी है कि कैंटीन की बहुत ही कमजोर पड़ती है पर कुछ अच्छे यूज करते हैं हम जैसे भी नहीं खाना मुझे तो सही लगा भाई मेरे को भाई बहुत अच्छा लगा इसका खाना भाई जो फूल वूल दिखा दो मस्त भाई बहुत अच्छी सी यहाँ पे हरियाली आई क्योंकि अलग हरियाली है किसी को प्रपोज करना है तो यहाँ गुलाब के फूल भी लगे हुए हैं बट प्रपोज करने के लिए होनी भी तो चाहिए वो थोड़ा यहाँ पे रेशो कम है बट डोंट वरी यार अदर कॉलेज में ट्राई करना रेशो है 1:4 उससे भी कम है भाई 1:5 ये देख सकते हो ये देख सकते हो भाई ये क्या ये कौन सा कोर्ट बोलते हैं इसे बास्केटबॉल कोर्ट और हम लोग इधर शाम को खेल रहे थे मस्त यहाँ बहुत मजा आ रहा था मेरे को पता नहीं बास्केटबॉल में कैसे खेला जाता है बट कल जब खेला तो सब पता चल गया कि क्या क्या रूल्स होते हैं कैसे खेला जाता है सारी चीज़ों के बारे में बहुत ही अच्छे से पता चल गया था और यहाँ पे देखो ये वाला जंगल इलाका है और यहाँ पे जो स्नेक होते हैं वो कांटे निकलते रहते हैं अभी 2 स्नेक निकल चुके हैं बहुत निकलते हैं हाँ मतलब यहाँ पे रात में ऐसे टहलना और इधर बट टहलो बट थोड़ा ध्यान से जहाँ पे लाइट्स हो वहाँ जाओ और इधर जंगल सा बहुत मस्त हरियाली है इधर पूरा जंगल है पूरा जंगल है अबे ऐसे सामने निकलते हैं ना चल ठीक है चल इसका पूरा ग्राउंड मारते हैं और निकलते हैं और हाँ आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि जो फॉरेन से बंदे आते हैं उनके लिए कौन सी बिल्डिंग है वो मैं आपको दिखा देता हूँ ये इसके पीछे हाँ चल वो दिखा देते हैं बंदों को ना क्योंकि सब देखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कोई बंदा फॉरेन से आए या किसी भी अदर सिटी कंट्री से आए तो वो कहाँ रहेगा और ये क्या है भाई इधर क्या है ये कौन सा जंगल है भाई ये जंगल ही ऐसे पड़ा हुआ है चल देखते हैं गेट तो बंद दिख रहा है हाँ गेट बंद है मेरे को जाना भी इधर कहाँ है भाई डंपिंग ग्राउंड तो नहीं इधर क्या नई बिल्डिंग बननी है क्या हो सकता है कुछ काम वाम चल रहा है इधर काम वाम चल रहा है काम चल रहा है देख अलग लेवल का कुछ है जाके आएंगे कभी देख के हाँ बाद में चलेंगे बट इधर देख इधर से रास्ता गया है फॉरेन स्टूडेंट वाली बिल्डिंग दिखा रहा था हाँ चल फॉरेन स्टूडेंट वाली बिल्डिंग दिखाते हैं बंदों को ये आपको सामने दिख रही होगी चलो पास से थोड़ा देखते हैं ये कौन है भाई कोई दिक्कत नहीं कोई नहीं कोई नहीं ये वर्कर्स हैं और यहाँ पे जो सारा मैनेजमेंट का काम करते हैं ये लोग मेंटेन रहता है इसीलिए काफी मस्त यहाँ पे जो पेड़ भी होते हैं वो भी यही लोग मेंटेन करते हैं अच्छे से घास कटाई हो रही है बढ़िया घास कटाई जरूरी भी है सांप वाप निकल जाएगा ही तो सांप तो निकलते ही रहते हैं क्या भाई बन क्या रहा है यार ये कुछ तो बन रहा है ये आप सब देख कितना मस्त यार मतलब ये अलग लेवल की फील आती है आईडी मैक के जैसा हम लोगों ने सोचा था उससे भी काफी कई गुना बेटर है और आप लोग जब आओगे ना तो बोलोगे कि हाँ यार ये जो होता है ऑनलाइन एजुकेशन और ऑफलाइन में ऑफलाइन में जो हम पहले एक हफ्ता हो चुका है जो और आता है भाई बढ़िया और सब लोग मास्क यहाँ पे लगाते हैं कंटिन्यू डेली ऐसा नहीं होता कोई बिना मास्क लगाए टहल रहा है हम लोग सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कर रहे हैं सारे बंदे मास्क लगाते हैं और हर टाइम मास्क लगाते रहते हैं खेलते हैं तो भी ट्राई करते हैं कि मास्क लगा के रखें बट अधिक प्रॉब्लम होती तो नहीं लगाते और ये कोई बंदा फॉरेन से आता है अदर कंट्री से आ रहा है तो ये बिल्डिंग उसको मिलती है मतलब ये बिल्डिंग इससे काफी अलग है अंदर की फैसिलिटी क्योंकि भाई जो बंदा हमारे यहाँ मेहमान होगा तो उसके लिए हमें अच्छे से खातिरदारी करनी होती है जैसे कि वो अपनी कंट्री में अपने घर जाए तो बताए कि यार हाँ ऐसा ऐसा था वहाँ पे इतनी अच्छे से मेरी खातिरदारी की गई थी ये सारी चीज़ें थी इसीलिए आई गेस ये बिल्डिंग बहुत ही अलग लेवल की है आप देख सकते हो यहाँ पे ये क्या भाई ये क्या लगे कूलर है ना AC है ये देखो भाई मतलब फॉरन जो स्टूडेंट आते हैं उनके लिए भाई AC भी है और ये देख सकते ये बैकग्राउंड है उसका हॉल 13 का मतलब बैक से ये और ये सामने मेस हो गई ये हॉल 13 की मेस है और अपना जो इससे आगे वाली जो आपको बिल्डिंग दिख रही वो है हम लोग घूमते घूमते पैर दुख जाएंगे लेकिन हाँ मतलब की हम लोग सिर्फ अभी हॉल के अंदर ही घूमे बाहर नहीं जा पाए और हम लोग मतलब बहुत थक जाते हैं रात में ऐसी नहीं जाती है कि घोड़े बेच के सोते हैं और 7 घंटे 8 घंटे पता नहीं चलता कब कितना निकल गया है बहुत ही सोते हैं और आप लोग सामने देख सकते हो ये भी मैसी है ये इस बिल्डिंग की मैसे देख सकते हो इस साइड से देखो कितना मतलब अलग ही दिखता है हम लोग तो पहले बहुत चौंक गए थे भाई ये बिल्डिंग किस लिए है हम लोग समझते कि प्रोफेसर या किसी और के लिए बिल्डिंग होगी बट बाद में पता चला नहीं यार ये तो फॉरेन स्टूडेंट के लिए बिल्डिंग है और ये मैसे देखो ये हॉल 13 वालों के लिए मैसे ये जो सीनियर हाँ क्यों खत्म हो चुका इसके आगे अच्छा हाँ हॉल 13 यहाँ पे खत्म हो चुका है और यहाँ से स्टार्ट है अपना हॉल हॉल टोल मतलब कि हॉस्टल मार के आए हम लोगों ने पूरा राउंड मारा है और
मतलब ऐसे तीन चार चक्कर डेली लगते रहते हैं, तीन चार क्या पांच शिफ्ट जितना भी होते हैं, जो जो नहीं मिलता रहता है चक्कर लगते रहते हैं और टहलते रहते हैं। और ये देख लो, और इधर, हाँ इधर से निकल सकते हैं। ये मैस रही, ये मैस का बैकग्राउंड है, मतलब बैक साइड से, आगे साइड से तो आप लोगों को देखिए कि मैं दिखा डाल दूंगा, आप यहीं से आगे, यहीं से आगे आपको मिल जाएगा पूरा। और ये आप बैक से देख सकते हो। आज क्या मिल रहा है? पाव भाजी मिल रहा है सुबह सुबह नाश्ते में, फिर शाम को लंच मिलेगा आलू जीरा मसाला, मसाला और फिर एक्स्ट्रा ये एक्स्ट्रा है। डिनर मिलेगा, मटर पनीर मिलने वाला है आज, मजे होने वाले हैं, पालक पनीर, मसूर दाल और प्लेट पराठा। चलो सही है, चिकन लवर के लिए भैया थोड़ा रखना, थोड़ा थोड़ा बस, दो रखना भी मेरे को, दो रखना। इस सुबह सुबह इतना खा लेता, मैं नहीं खाता था ना, दो रखना भी है, दो दो पीस बस। क्या क्या मिला भैया, दूध और क्या क्या है? अच्छा अच्छा, दूध भी है, चाय भी है, जो पीना है पी लो, हल्दी वाला दूध भी है। चाय ले ले, मैं दूध तो भेजेंगे, चाय ले ले मेरे लिए भी, मेरे लिए भी ले लियो गिलास चाय। भैया आधा देना, मीठा नहीं है? मीठा भैया आधा मेरे को भी देना, आधी चाय, आधा आधा। तो भाई नाश्ते में ले लिया पाव भाजी, लेकिन यार यहाँ पता नहीं, मैं तो कभी खाता नहीं हूँ नाश्ते पाव भाजी, हमारे यहाँ तो नाश्ता बहुत ही हल्का होता है, मतलब टाइप चाय पी लो और बस ब्रेड व्रेड खा लो, यहाँ तो यार पाव भाजी मिल लिया नाश्ते में, हम तो रात में खाते हैं पाव भाजी डिनर वगैरह में। चलो कोई दिक्कत नहीं है, चल खाते हैं। तो अब आप लोगों ने मैच देख ली होगी, अब यहाँ से चलते हैं आगे और पूरा एक राउंड हो जाएगा हॉल 12 और हॉल 13 दोनों का मस्त सा। और इधर देखो ये सब क्लियर साफ हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे घास काफ़ी अभी थी तो यहाँ पे साफ कर दिया गया है। और इधर से देखो हरियाली मस्त मस्त बढ़िया। और ये मैस का आउटसाइड है, आप देख सकते हो, डरते इस रास्ते से जाने की नहीं यार, ऐसा नहीं है मैं, हाँ मतलब कि थोड़ा बहुत भाई यहाँ पे रात में भूत भी हंसते हैं, बहुत बहुत भूत हैं यहाँ पे, रात में तुम्हें 2-3 बजे भूत मिलते रहेंगे, ठीक है ना, 4 बजे बहुत भाई भूत हैं IIT कानपुर में, और जो आप फ्रेशर आते हैं उनके हॉस्टल में तो अलग लेवल का। और ये मैस रहा, ये इनसाइड मैस है, अभी बंदे बहुत से बंदे भी कर रहे हैं इंडी में, वो लंच नहीं ब्रेकफास्ट, सॉरी क्या मैं बोल रहा हूँ यार, लंच की तो तैयारी हो रही होगी, लंच की तैयारी हो रही होगी। तुम लोग आपसे बोलते थे कि यार ब्लॉग थोड़ा बड़ा बनाओ बड़ा बनाओ, तो मैंने सोचा चलो पूरा राउंड मारते हैं, बड़ा ही ब्लॉग बनाते हैं। ये जो सामने है ये सामने आगे से गेट है, आगे से गेट होते जा सकते हैं, अभी वहां तक नहीं जाते, चल इधर से चलते हैं क्या, बहुत टाइम लगेगा, इतने टाइम में तो ऊपर चले जाएंगे, थर्ड फ्लोर पे इससे भी कम टाइम में चले जाते हैं। देखा था जब वो बंदा थर्ड फ्लोर पे था, मैं ग्राउंड फ्लोर पे था, वो थर्ड पे था मैं ग्राउंड पे था, और 6 से आए थे, हाँ बट अभी नहीं, अब तो आ गया है ना, 6 तक जाता हूँ, तू नहीं भाई उधर नहीं, वैसे नहीं, चढ़ने में दिक्कत होगी क्योंकि उतरने में काफी दिक्कत नहीं होती, दिक्कत होगी ना, रूफटॉप चलेगा, रूफटॉप चलते हैं, ये वाला खुला है पर देखते हैं, नहीं खुला होगा तो उससे निकल चलेंगे। चलो आप लोगों को मैं रूफटॉप का मस्त व्यू दूंगा, पूरा IIT, पूरा IIT देखोगे वहां से। फिफ्थ फ्लोर पे चलो, आ गया अपना, आ गया 6th फ्लोर, और यहाँ पे लगता है थोड़ा जब ऊपर जाते हैं तो लगता है वजन हाई हो रहा है, बढ़ रहा है वजन हम लोगों का थोड़ा, ये आ गए हम लोग 6th फ्लोर पे, कुछ नहीं नॉर्मल बढ़ जाता है, और यहाँ पे थोड़ा कॉरिडोर नहीं है बस, इतनी दिक्कत है, ऊपर चलना है, रुक जाओ अब थोड़ा यहाँ से आ जाओ, थोड़ा इधर दिखा दो, ये देख सकते हो ये 6th फ्लोर है, और यहाँ से आप बाहर का व्यू देखो, बाहर का नज़ारा ये पूरा आपको दिखाएगा कानपुर, ये भी आई गेस ये हाँ ये कानपुर IIT के बाहर है आई गेस, जिस प्रकार से मेरे को लगता है ये IIT के बाहर है, और पूरा ये कानपुर जैसे आपको दिखता है देख सकते हो, ये कहाँ ये कल्याणपुर है, जो IIT कानपुर है वो कल्याणपुर के अंदर है, और अलग ही मस्त मस्त नज़ारा रहता है यार, मतलब हम लोगों ने इतना सोचा नहीं था जितना यहाँ पे हम लोगों को देखने को और जो मिल रहा है, मतलब कि IIT कानपुर में बहुत ही अधिक हरियाली है, आपको हमेशा फ्रेश फील होता रहेगा, कभी भी तुम मतलब कि ये तुम्हें पढ़ने का मन नहीं, कभी डिमोटिवेट हो रहे हो, कुछ कहने का मन नहीं है, और थोड़ा रूफ टॉप पे आके या
टेरेस पे आके टहल लो, एक अलग लड़के तुम्हें फील मिल जाएगी, मजा आएगा। और यहाँ पे बच्चे खेलते रहते, तुम कितना भी खेलो जी नहीं भरेगा। और जूम करके भी आप देख सकते हो, और मेरा कैमरा काफ़ी सही है यार। हाँ, ये रहा हॉल 12 का गेट, जूम तो मैंने कर दिया है, और अभी जूम आउट करना पड़ेगा मेरे को। ये हॉल था, ये हॉल 12 का गेट है, यहाँ से अंदर आते हैं सब लोग, और वहाँ पे गार्ड रहते हैं। और इसके पड़ोस में यहाँ पे साइकिल भी बाई सेल होते हैं, जहाँ से आप बाई कर सकते हो मस्त मस्त साइकिल। हम लोगों को भी बाई करनी है, बट जब आई कार्ड हम लोगों को बन जाएगा फिर हम बाई। हाँ, आपको जूम करके दिखा दूँ, नहीं जैसा दिखाएगा बट ये लोग समझ लेंगे ना। ये जो आपको दिख रही है ना, ये वेलकम बाई 20 का, आप लोग समझ लो भाई। हाँ, जो समझना समझ लो, और पूरा ब्लॉग आप लोगों ने वो ब्लॉग आपको देखना ही देखना है। देख सकते हो मतलब कि कानपुर का भी भाई बहुत ही बड़ा कानपुर, और मज़ा आता है। मतलब कि कानपुर में आईआईटी में आने के बाद अलग लेवल की फील होती है। चल भाई, रूफ टॉप पे चलते हैं, और वहाँ से इन लोगों को अलग लेवल की फील होती है। यहाँ का नेचर है, यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं काफ़ी बड़ा लगता है। मतलब आईआईटी दिल्ली उसकी अलग चीज़ है, वहाँ पे थोड़ा सिटी के अंदर है, तो वहाँ पे थोड़ा तुम्हें फ्रेश इतना नहीं मिलेगा जितना आईआईटी कानपुर के अंदर मिलता है। आईआईटी बॉम्बे की बात करें तो जीरो भाई, जीरो। मतलब कि यहाँ पे तुम्हें कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, ज्यादा 25 या 30 होगा। हाँ, अलग ही लेवल की भाई है। अब तो लिफ्ट से नहीं चलना ना, अब तो सीढ़ियों से चलना है, कि रूफ टॉप पे चलने। देखते हैं ओपन होता है तो चलते हैं, नहीं ओपन होता है तो उधर आते हैं किसी अदर साइड से जाने का ट्राई करेंगे। बट जाएंगे तो जरूर, अलाउ नहीं है भाई, अलाउ नहीं है, बट हम लोग जा रहे हैं। लॉक लगाए भाई, ये लॉक लगाए किस, ओपन किस में था भाई? ये देखो लॉक ओपन ए वाले में थे, ओपन ए वाले में नहीं ओपन है भाई, ए वाले में नहीं ओपन है, ए वाले में ओपन है, नहीं बी वाले में ओपन है। चलो मैं यहाँ पे आगे दिखाता हूँ, ठीक है, रूफ टॉप पे चल के दिखाते हैं। तो यहाँ पे नहीं था तो अब हम लोग चल रहे हैं। कभी के लिए आप यहाँ भी आ सकते हो, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और यहाँ से देखो भाई क्या मस्त लगता है नजारा, इधर भी देखो क्या मस्त लगता है नजारा, बिंदास। ये क्या है? वाटर, ये वाटर भरा हुआ है, क्या बोलेंगे वाटर, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वाटर फिल इन द ऑन द रूफ, अबे जो बोल लो यार। किधर है भाई ये? इधर ओपन था या नहीं था? नहीं, इधर से भी देख लो, ये अपन प्ले ग्राउंड है। तुम लोग बोले थे प्ले ग्राउंड नहीं दिखाया, प्ले ग्राउंड नहीं दिखाया, देख लो यार। और कैंटीन वाला तो मैंने दिखाई दिया ना, कैंटीन वाला देख लिया आप लोगों ने स्टार्टिंग में, यही वाला ग्राउंड। हाँ, वीडियो तो यहीं से मैंने स्टार्ट किया था। चलो इधर भाई, सब रूम के अंदर रहते हैं क्योंकि आगे जाना है। ए सी भाई आगे से नहीं ओपन है भाई, ए सी नहीं ओपन है। चल देखते हैं ओपन होगा तो बस रहेगा, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। लिफ्ट यूज करें या फिर चल सीढ़ियों से चलते हैं, सीढ़ियों से पाया तो जायद करेंगे, बट सो लेंगे आराम से, आराम कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। सीढ़ियों को मजा ही अलग रहता है, लिफ्ट है बट अब हम लोग लिफ्ट में इतना मजा नहीं आता ना, सीढ़ियों से अलग रहता है भाई। और यहाँ से देख लो ये पूरा, ये जो बास्केट ग्राउंड था और उधर वो, और ये हॉल, ये सामने वाला हॉल कौन सा, ये सामने वाला हॉल कौन सा, ये वाला हॉल 9 तो ये वाला है भाई, हॉल 9 तो इस साइड वाला, ये जो ये पेंट दिख रही है, सब कुछ पता चल जाएगा। हाँ चलो बाहर ही चलेंगे फिर दिखाएंगे, चला जा भाई, ब्लॉग बहुत बड़ा हो रहा है बट पूरा देखना है आप लोगों को। चलो यहाँ पर ब्लॉग को कट करते हैं, और आगे का ब्लॉग आप लोग देख लेना आगे।